मैं फाइनली दावत दूंगा जनाब जाहिर साहब को, लाइक अकबाल साहब को भी, वो आए और अपनी कुरान जर्नी हमारे साथ शेयर करें। जजाक अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद इकबाल है, बाई प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जर्नी तो मैंने काफ़ी लंबी बनाई हुई थी, यानी विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम आई विल कीप इट शॉर्ट। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जर्नी है वो दो फेजेस में है, जो नॉर्मली टिपिकली अक्सर लोगों के साथ होती हुई है, एक इनफॉर्मल और कैजुअल दैट स्टार्टेड फ्रॉम माई चाइल्डहुड, और दूसरी जो फॉर्मली और डिसिप्लिन वे में दैट स्टार्टेड विद दी अल्फला मंजर। मुझे बचपन से ही शौक था कुरान पाक पढ़ने का भी, और खासकर कुरान पाक की तिलावत का। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था तो मैं अपनी जो क्लास हमारी थी 6 से ऑनवर्ड 10 तक में सुबह असम्बली में कुरान पाक की तिलावत करता था। तो इस तरह मेरी सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट कुरान पाक के साथ रही ऑन एंड आउट। फिर कॉलेज का दौर आया और यूनिवर्सिटी का, और उस दौरान यू कैन से मैं बस इनफॉर्मली ही, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली अटैचमेंट कम हो गई। और एंड डाउन द रोड आई वुड से के राउंड अबाउट 2006 टाइम मुझे मौका मिला डॉक्टर इसरार रहमत खान अल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्म रिसीव करे, उनकी दरियात मत करे, ही वॉज दी ड्राइविंग फैक्टर। मैंने उनकी टीवी के ऊपर उनकी सीरीज चल रही थी दरसे कुरान की, तो वो मैंने सुना और उससे मुझे मोटिवेशन मिली, मुझे कुरान पाक समझना चाहिए और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली अमल करना चाहिए, और फिर आगे आने का बड़ा जो कुरान पाक के हमारे ऊपर हकूक है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ये किया कि अभी तो फादरी अर्शद सरवशन ने हमें रेफरेंस किया है कुरानिक डिक्शनरी का, उस वक्त लुत्फ़ रहमान साहब की एक सीरीज है आसान अरबी ग्रामर, तो वो मुझे शौक हुआ, मैं स्पेसिफिकली जाकर मैंने आई एस से मुझे याद है वहाँ से जाकर मैंने बुक्स खरीदी। लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व इज के जब आप फॉर्मली अटैच नहीं होते बहुत मुश्किल होता है। फिर डाउन द रोड इवन मैंने 2011 में जो अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का इनकी सीरीज चल रही थी पीस टीवी के ऊपर, तो वो भी मैंने फिर मैंने कहा मैंने आप फिर कोशिश करनी है, मुझे हमेशा था कि मैंने कोशिश करनी है और ये सीखना है मैंने, और मैंने उनके कुछ लेक्चर्स भी सुने। लेकिन अनलेस यू हैव अ विजन और एक मोटिवेशन हो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज यूज टू से माय फेलो जेजर, वो कहते हैं जी देखिए हम तो हमें पाक सीख रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है कि हम जो है ना नंबरों के पीछे जाएं, और ये जो हमारे टेस्ट और हम कहते हैं हमें टॉप पर होना चाहिए। कहते हैं वाई नॉट, हम जो हमारी दुनियावी तालीम है उसमें तो हम बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें फर्स्ट पर आना चाहिए, तो दीनी तालीम में क्यों नहीं। तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि नहीं जी हमें टॉप पर जाना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन के जब मैंने आई विल कट इट शॉर्ट लेट इन 2020 मुझे इत्तेफाक हुआ कि स्टेटस पर मैंने देखा व्हाट्सएप पर सर काशिफ का कोर्स ऑफर कर रहे थे, तो वो मैंने कोविड डेज में था ऑनलाइन मैंने उसको अटेंड किया, क्योंकि मेरी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ज़रा डिफिकल्ट था मैनेज करना फिजिकली, तो वो मैंने कुरान कोर्स किया। और फिर मेरी उसमें मेरी इंटेंशन यही थी कि मैंने पहली पोजीशन लेनी है क्लास में, और उसकी इसी मन में तो खैर मैं पहली पोजीशन नहीं ले पाया, मेरी थर्ड और फोर्थ पोजीशन थी। लेकिन उसके बाद जो कोर्सेज हुए कि उसी टू से ऑनवर्ड वो मेरी डिस्टिंक्टिव पोजीशन थी, और थैंक टू सर अर्शद जिन्होंने ये सारा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और स्पेसिफिकली क्यूसी टू में एक बात पहले था तो मेरी हमेशा से मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं कुरान पाक समझूं, इस पर अमल करूं और दूसरों तक पहुंचाऊं, और खास कर यानी इसमें किसी भी कैपेसिटी में माली हवाले से जानी हवाले से इस्लाम की तबलीग के हवाले से, समझ लें कि मेरी जिंदगी में ख्वाहिश है कि काश मैं किसी एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकूं। और मेरा जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बाहर भी जाता हूँ यूएस की, तो वहाँ पर एज अ मैटर फैक्ट मैं एक दफ़ा यहाँ पर जो है रईकुल मखतूम की जो है सीन एक्टर वो भी लेकर गया, और मेरे एक नॉन मुस्लिम फैलो थे उनको जाकर मैंने दी। एनी हो तो मेरी ये आई थिंक मैं इस पूरे सिस्टम के साथ मुस्लिम हो सकूँ, तो वो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, सर अर्शद ने इंट्रोड्यूस किया मैडम फ्रिया सजाद को एज ए मेंटर क्यूसी टू में, और दैट वॉज वेरी हेल्पफुल। वो उन्होंने जिस तरह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स देती थी। एनी हाउ उससे मैं उसका ये फायदा हुआ कि क्योंकि हमारी लर्निंग की ओरिजिन देन आई थॉट मुझे भी कंट्रीब्यूट बैक करना चाहिए। आज वो फॉर्मली अभी तक मैं
ट्रेनिंग वर्कशॉप में तो अभी तक मैं अटेंड नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेकिन मैंने फ्री एक्ट साथ जो कोर्सेज कर रही हूँ उसमें एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर द पास्ट वन एंड हाफ ईयर में उनके साथ मुंसलिक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला अभी आज मैंने इतनी स्टोरी सुनी है और मुझे और मोटिवेशन मिली है कि मुझे भी अभी कोशिश करनी चाहिए टू स्पेयर टाइम और मैं खुद भी फरबाग जो है वो एज ए टीचर उसको स्टार्ट कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक समझने उस पर अमल करने और दूसरों तक फैलाने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।